बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जीटा पोटेंशियल ज़्यादा होगा, कोलाइडल पार्टिकल में रिपल्शन ज़्यादा होगी और कोलाइडल सिस्टम स्टेबल बनेगा। ये देखिएगा, ये कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, इनके सरफस पर आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज हो, जो नेट चार्ज डिवेलप होगा इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बनने के बाद। हम सपोज कर लेते हैं इन सब की सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो सिमिलर चार्जेस की रिपल्शन की वजह से ये कोलाइडल पार्टिकल एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे और ये सिस्टम इसी तरह डिस्पर्स रहेगा, सिस्टम स्टेबल रहेगा। लेकिन अगर आप इन चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर दें, कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें कोलाइडल सिस्टम में, उस इलेक्ट्रोलाइट के आयंस कोलाइडल पार्टिकल पर एड्जॉर्ब होंगे और वो जो चार्ज है कोलाइडल पार्टिकल की सरफेस पर, वो चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। देन जब वो चार्ज नहीं रहेगा तो कोलाइडल पार्टिकल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, वो अब फ्लॉ वो एग्रीगेट्स बनाना शुरू कर देंगे। ये प्रोसेस कहलाता है कोएगुलेशन, यानी न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्जेस, ये कोएगुलेशन है। और कोएगुलेशन की वजह से कोलाइडल पार्टिकल पहले तो दो दो तीन तीन का ग्रुप बनाते हैं, फिर वो एक बड़ा फ्लॉक बना लेते हैं, एक बड़ा एग्रीगेट बना लेते हैं। कोलाइडल पार्टिकल चूंकि अब स्टेबल नहीं रहा, चूंकि वो जो रिपल्शन की फोर्स थी वो एनर्जी बैरियर प्रोवाइड कर रही थी, कोलाइडल पार्टिकल को एक दूसरे के करीब नहीं आने दे रही थी। कोलाइडल पार्टिकल की स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि ये एनर्जी बैरियर एज हाई एज पॉसिबल, जितनी ज़्यादा रिपल्शन होगी उतना ही ज़्यादा बड़ा एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा कोलाइडल पार्टिकल को एक दूसरे के करीब आने के लिए, और सिस्टम उतना ही स्टेबल रहेगा। लेकिन जब आपने इन चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर दिया तो कोलाइडल पार्टिकल पहले छोटे एग्रीगेट्स बनाएंगे, फिर लार्जर एग्रीगेट बना लेंगे। और ये दो प्रोसेस वन बाय वन होंगे। पहला प्रोसेस जिसमें आप चार्जेस को न्यूट्रलाइज करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोएगुलेशन। और दूसरे स्टेप में जिसमें लार्जर कोएगुलेट बन जाता है, दैट स्टेप इज कॉल्ड फ्लॉकुलेशन। और जब फ्लॉक बड़ा हो जाता है, जब उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो फिर वो प्रेसिपिटेट होना शुरू होता है, ये थर्ड स्टेप है, दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन और प्रेसिपिटेशन। तो ये तीन स्टेप इन्वॉल्व हैं कोलाइडल पार्टिकल की को अनस्टेबल करने के लिए। अगर आपने कोलाइडल पार्टिकल को अनस्टेबल करना है, अगर आपने कोलाइड डिस्पर्स्ड फेज को रिकवर करना है फ्रॉम कोलाइडल सिस्टम, तो फर्स्ट वी विल न्यूट्रलाइज द चार्जेस, देन फ्लकुलेशन विल टेक प्लेस। तो ये दोनों फिनोमेना एक दूसरे के साथ लाजम व मलजूम हैं। दे कोएगुलेशन टेक्स प्लेस फर्स्ट एंड देन फ्लकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन टेक्स प्लेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोएगुलेशन, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्जेस ऑन कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड कोएगुलेशन। पहला स्टेप जिसमें कोलाइडल पार्टिकल की सरफेस से चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोएगुलेशन। फॉर एग्जाम्पल आर्सेनिक सल्फाइड, इट मेक्स एनायनिक कोलाइड। अगर सल्फाइड आयन एक्सेस में हैं तो सल्फाइड आयन इसकी सरफेस पर एड्जॉर्ब होंगे, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज डिवेलप हो जाएगा, तो इट इज़ एनायनिक कोलाइड। और इसी एनायनिक कोलाइड में अगर हम बेरियम क्लोराइड ऐड कर दें, तो बेरियम क्लोराइड के जो बेरियम आयन्स हैं, दे विल बी एड्जॉर्ब्ड एट द सरफेस ऑफ एनायनिक आर्सेनिक सल्फाइड। इस आर्सेनिक सल्फाइड की सरफेस पर बेरियम आयन जब अटैच होंगे तो इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, दिस प्रोसेस इज कोएगुलेशन। द बेरियम आयन्स आर एड्जॉर्ब ऑन एनायनिक कोलाइडल पार्टिकल एंड दे न्यूट्रलाइज देयर चार्जेस, एंड कॉन्सिक्वेंटली अब जब चार्ज न्यूट्रलाइज होगा तो फिर रिपल्शन रिमूव हो जाएगी, कॉन्सिक्वेंटली रिपल्शन इज रिमूव्ड एंड इट रिजल्ट्स इनटू फ्लकुलेशन। जब कोएगुलेशन हो जाएगी तो उसके बाद फ्लकुलेशन होगी। दो आदमी एक दूसरे के दुश्मन थे, आपने पहले उनके इख्तलाफात ख़त्म किए फिर उनको दोस्त बना दिया, तो ये जो पहला स्टेप है जिसमें आपने उनके इख्तलाफात ख़त्म किए ये कोएगुलेशन है, और जिसमें आपने उन दोनों को दोस्त बना दिया ये फ्लकुलेशन है। तो फ्लकुलेशन इज रिजल्टेंट ऑफ कोएगुलेशन, एग्रीगेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल आफ्टर कोएगुलेशन। Aggregation of colloidal particle after coagulation is called flocculation. Coagulation के बाद colloidal particle की flocculation, इस
सिस्टम को, इस स्टेप को कहते हैं फलाकुलेशन। अब जरा नेक्स्ट डायग्राम की मदद से इसको देखिएगा। ये कोलाइडल पार्टिकल जिन पर चार्ज है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, आपने इनमें कोएगुलेंट डाला। अच्छा, जो केमिकल आप ऐड करते हैं चार्जेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको कहते हैं कोएगुलेंट। अगर आप कभी बार्बर के पास जाएं कटिंग कराने, शेव कराने, तो कभी कट लग जाए अगर खुदा ना खास्ता, तो वो उसके ऊपर फटकड़ी एलम लगाते हैं। उस एलम में एल्यूमिनियम आयन है जो ब्लड को कोएगुलेट करते हैं, उसके फ्लो को रोक देते हैं। सिमिलरली अगर आप वैसे भी टैप वाटर में एलम डाल दें, फटकड़ी डाल दें, तो उसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो उनकी कोएगुलेशन होगी, फिर फ्लाकुलेशन होगी और वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी। तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे टू रिमूव इम्प्योरिटीज़। एड एलम इन द वाटर एंड द मोस्ट मैनी लार्ज नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज़ विल बी रिमूव्ड बाई कोएगुलेशन एंड फ्लाकुलेशन। अब ये कोएगुलेशन हुई, इसके बाद फ्लाकुलेशन हुई, देन सेडिमेंटेशन हुई। ये देखिएगा, ये कोलाइडल पार्टिकल, सपोज इस पर नेगेटिव चार्ज है, आपने इसमें फ्लाकुलेंट ऐड किया, इसमें कोएगुलेंट ऐड किया, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, उस इलेक्ट्रोलाइट, चूंकि कोलाइडल पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोलाइट का कैटायन इसकी सरफेस पे एब्जॉर्ब होगा, चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो दैट इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड कोएगुलेंट। अब चार्जेस न्यूट्रलाइज हो गए तो कोलाइडल पार्टिकल की एग्रीगेशन स्टार्ट हो गई, और जब एग्रीगेशन इतना बड़ा एग्रीगेट बन जाए कि उसकी डेंसिटी सॉल्वेंट की डेंसिटी से, डिस्पर्शन मीडियम की डेंसिटी से इंक्रीज हो जाएगी, फिर वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, दे आर सेटल एग्लोमरेट्स एंड ये देखिएगा, ये कोलाइडल सिस्टम, आपने कोएगुलेंट ऐड किया, सिस्टम जरा टर्बिड हुआ, फिर फ्लाकुलेशन हुई। अब ये इम्प्योरिटीज़, इनको अगर आप रिमूव कर दें तो क्लियर डिस्पर्शन मीडियम, ये क्लियर लिक्विड आपको इज देयर। ये देखें, कोलाइडल पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज एनर्जी बैरियर प्रोवाइड कर रहा है फॉर देयर एग्रीगेशन। लेकिन अगर आप कोएगुलेंट ऐड करें, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, उस इलेक्ट्रोलाइट का कैटाइन कोलाइडल पार्टिकल की सरफेस पे एड्जॉर्ब होगा, चार्जेस न्यूट्रलाइज होंगे, अब ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, अब इनकी एग्रीगेशन हो जाएगी। नेक्स्ट ये देखिएगा, इन कोलाइडल पार्टिकल की सरफेस पर सिमिलर चार्जेस हैं, आइडेंटिकल चार्जेस हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे, लेकिन रिपल्शन इनको एग्रीगेट नहीं होने देगी। जब आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें, उस इलेक्ट्रोलाइट के कैटाइंस इसकी सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाएंगे, नाउ दैट एनर्जी बैरियर इज रिमूव्ड, नाउ एग्रीगेशन विल स्टार्ट। ये देखिएगा, ये इंप्योरिटीज हैं वाटर में, आपने कोएगुलेंट ऐड किया, इस कोएगुलेंट के आयंस, अगर तो इन कोलाइडल पार्टिकल की सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव आयन यहां एड्जॉर्ब होगा, और अगर इन कोलाइडल पार्टिकल की सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है तो इसका कैटाइन इनके सरफेस पे एड्जॉर्ब, तो फिर इलेक्ट्रोलाइट का कैटाइन यहां एड्जॉर्ब होगा, चार्जेस को न्यूट्रलाइज करेगा। अब ये देखें, ये चार्जेस जब अटैच हुए तो इन्होंने इनकी एग्रीगेशन स्टार्ट कर ली, और जब लार्ज स्केल पे एग्रीगेशन होगी तो दे विल सेटल डाउन। तो इसकी फर्दर डिटेल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।